नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो से दोस्तों हम जो है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की प्रैक्टिकल सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। वन बाय वन चैप्टर जो है हम क्लियर करते जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, या फिर पता होगा तो अच्छी बात है, या फिर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे जो चैनल पर है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की हिंदी में सीरीज जो है अवेलेबल है दोस्तों, हमने अपलोड करके रखी है। तो उस वीडियो को लोगों का जो है अच्छा रिस्पांस आया है दोस्तों, तो मुझे बहुत सी कमेंट्स आई थी कि उन वीडियोस को लेके मैं जो हूँ और वीडियोस बनाओ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के टॉपिक पे। तो आज की वीडियो से दोस्तों हम वन बाय वन चैप्टर क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली कंप्यूटर हार्डवेयर का, ठीक है। तो वो जो सीरीज थी दोस्तों, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, वो जो सीरीज थी थ्योरेटिकली थी, लेकिन ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये जो सीरीज रहेगी वो प्रैक्टिकली रहेगी। हम प्रैक्टिकली वन बाय वन जो पॉइंट्स होते हैं वो देखेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड, ये जो होता है यहाँ पर मदरबोर्ड, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में हड्डी जो यहाँ पर कनेक्ट होती है। उसके बाद में SMPS जो पावर देता है सभी को, मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकली में जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था SMPS के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली जानेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS और रैम के स्लॉट, यहाँ पर रैम लगी हुई चिप होती है वो भी हम जानेंगे, और यहाँ पर DVD ड्राइव है लगा हुआ, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम इस सीरीज़ में जानने वाले हैं दोस्तों, मतलब इस सीरीज़ में नहीं, वन बाय वन चैप्टर हम जो क्लियर करेंगे उस सारे सीरीज़ में चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जैसे कि SMPS, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और DVD ड्राइव और रैम, ठीक है। इन सभी पार्ट्स को जो है मैं CPU, ये जो कैबिनेट है उसके अंदर से जो है बाहर निकाल देता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे दोस्तों, हमने सारे पार्ट्स को CPU के बाहर से निकाल लिया है, मतलब कैबिनेट से हमने बाहर निकाल लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे मदरबोर्ड, यहाँ पर है DVD ड्राइव, यहाँ पर है रैम की चिप और यहाँ पर है SMPS और इधर है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, आप देख पाओगे। तो हम जो है वन बाय वन चैप्टर इन सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सिर्फ हम आज के वीडियो में देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। और ये जो मदरबोर्ड पर अबाउट, मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारी यहाँ से पार्ट्स हटा देता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो बाकी की चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ से हटा दी है, सिर्फ मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको मदरबोर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अबाउट मदरबोर्ड, ठीक है। तो जैसे कि आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला स्लॉट, ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा फोकस करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस वाले स्लॉट को कहते हैं दोस्तों ATX पावर कनेक्टर, ठीक है, ये होता है ATX पावर कनेक्टर ये, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे ये होता है ATX पावर कनेक्टर, ओके। तो ATX का मतलब है दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है वो जो है हम वन बाय वन चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो अबाउट मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे ये होते हैं PCI स्लॉट्स, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यहाँ पर जो तीन स्लॉट्स आप देख पा रहे होंगे इन्हें हम कहते हैं PCI स्लॉट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप जो दो स्लॉट्स देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये होते हैं रैम के लिए, यहाँ पर रैम की चिप लगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बारे में आप बाद में, आप यहाँ पर बाजू में देख पा रहे होंगे एक सेल लगा हुआ है, तो ये जो सेल नहीं है दोस्तों इसे कहते हैं CMOS बैटरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS, ओके। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर SATA पोर्ट्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो चार पोर्ट्स हैं यहाँ पर इन्हें कहते हैं SATA पोर्ट्स, ओके। और IDA कनेक्टर जो होता है दोस्तों यहाँ पर होता है, ये जो पोर्ट आप देख पा रहे होंगे ये और ये, तो इन्हें कहते हैं IDA पोर्ट्स, ठीक है। और VGA पोर्ट्स दोस्तों आप मदरबोर्ड के बैक साइड में देख पाओगे यहाँ पर होता है VGA पोर्ट्स, ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे होगे ये होता है VGA पोर्ट्स। यहाँ पर होता है इथरनेट पोर्ट्स, ये जो है यहाँ पर इंटरनेट की केबल लगती है इसे इथरनेट पोर्ट्स कहा जाता है और पोर्ट, ओके। और यहाँ पर आपको एडवांस में अलग से जो है यहाँ पर USB के लिए पोर्ट्स भी दिए जाते हैं, तो ये USB पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑडियो इनपुट होता है जो सेंटर में आप देख पा रहे होंगे वो, उसके बाजू में होता है माइक्रोफोन के लिए और उसके बाजू में जो होता है वाईफाई के लिए, ओके।
वाईफाई अडेप्टर के लिए। तो बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ इस इन पोर्ट्स के बारे में। तो इन पोर्ट्स का किस तरह यूज़ होता है दोस्तों और इनके यूजेस क्या है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, सेकंड चैप्टर में। तो अभी के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।